फराह खान और रोहित शेट्टी इन दिनों सत्य पे सत्ता रीमेक पर काम कर रहे हैं। फिल्म की कास्टिंग अभी फाइनल नहीं हुई है, पर चर्चा है कि इसमें ऋतिक रोशन काम करेंगे। वे इसमें डबल रोल में नजर आएंगे, जिसे ओरिजिनल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। अब सुनने में आया कि इसमें उनके अपोजिट कटरीना कैफ को कास्ट किया जाएगा, जो इसमें हेमा मालिनी वाला रोल निभाएंगी। ऋतिक इससे पहले कहो ना प्यार है और कृष में भी डबल रोल निभा चुके हैं। कास्टिंग में लगेगा काफी वक्त। फिल्म से जुड़े सूत्रों की माने तो इस फिल्म की कास्ट काफी बड़ी होने वाली है, इसलिए मेकर्स इस पर बारीकी से काम कर रहे हैं। ऐसे में कास्टिंग पूरी होने में काफी वक्त लगने वाला है। फिलहाल तो सिर्फ कलाकारों से बात की जा रही है, इस बारे में जल्द ही अनाउंसमेंट होगी। शाहरुख और दीपिका के नाम की भी थी चर्चा। फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी वक्त से चर्चा चल रही है। पहले सुनने में आया था कि इस फिल्म में फराह, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहती हैं, पर अब तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। उत्साहित हैं कटरीना सूत्र बताते हैं कि मेकर्स इस फिल्म के लिए कई ए लिस्टर एक्ट्रेसेस को अप्रोच कर रहे हैं। जब मेकर्स ने ऋतिक को कास्ट करने का सोचा, तब उन्होंने सबसे पहले कटरीना के नाम पर चर्चा की, क्योंकि दोनों इससे पहले दो फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों को काफी पसंद है। कटरीना इस मौके को पाकर काफी सम्मानित महसूस कर रही हैं और वे इस दिलचस्प भूमिका को निभाने के लिए उत्साहित भी हैं।